हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो ये 4 ऐसे टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इन 3 मंथ्स में, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस सबसे पहले टिप नंबर 1 है कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सिलेबस। ये टिप्स कम शेड्यूल टाइप का है कि आपको आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए और क्या टिप्स हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सिलेबस। फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन इज़ टू नो योर प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड स्टार्ट लर्निंग अकॉर्डिंगली। तो गाइस आपको अपना जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या मेन चीज़ें जो ज़्यादा आती है एग्ज़ामिनेशन में, आप उनको उसकी नॉलेज आप रखें। सेकंड वन इज़ स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। नाउ प्रायोरिटाइज योर स्ट्रॉन्ग एरियाज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड लीव द रिमेनिंग टाइम इन वर्किंग आउट वीक एरियाज, बट नेवर लीव अ सिंगल टॉपिक अनटच्ड। आपको क्या करना है, स्टडी स्मार्ट करनी है। वो कैसे करनी है मैं बताता हूँ। अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पहचानिए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग को आप प्रायोरिटीज़ दीजिए, वो और स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे और जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें लीव जो आपके वीक एरियाज हैं उसमें आप उस टाइम को दीजिए। और देन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो अनटच्ड हो। आप टॉपिक सारे पढ़ के जाएँ, वीक और स्ट्रॉन्ग जो आपके स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं आप उनको, आपको पता है कि ये मेरे स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं तो आप उन पर ज़्यादा मेहनत अभी ना करें। आपको वीक पॉइंट्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड वन इज़ टाइम मैनेजमेंट। मेक अ स्ट्रिंगलाइंड टाइम टेबल। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। मेक अ स्ट्रिंगलाइंड टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट कॉन्स्टेंटली। गिव मोर टाइम टू दोज टॉपिक विच हैव हायर वेटेज इन नीट एग्जाम। टेक अप मॉक टेस्ट एज मैनी एज पॉसिबल, दैट विल हेल्प यू अलॉट। मॉक टेस्ट तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का सबसे सिंपल सा फंडा है, उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो जिनकी वेटेज नीट एग्ज़ाम में ज़्यादा है। और बायो पर तो आप खासा ध्यान रखिए और टाइम टेबल बनाइए अपना। अभी ऊपर उसकी लिंक आ रही होगी, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है तो उस टाइम टेबल को आप देखें और फॉलो करें। रिविज़न एंड प्रैक्टिस। यू माइट हैव अ ग्रिप ऑफ योर एंटायर सिलेबस बट ऑल विल गो इन टू अ वेन इफ यू डोंट प्रैक्टिस। डू कॉन्स्टेंट रिविज़न बाई वे ऑफ मेकिंग नोट्स ऑन योर ओन वर्ड्स। नोट्स बनाए अपने और रिविज़न और प्रैक्टिस, ये वैसे हर कोई ये बात बोलता है बट जो इसमें अलग चीज़ है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आज सुबह बनाई थी, आप उसे ऊपर उसकी लिंक आ रही है आप उसे देख सकते हैं। आप अपनी रिविज़न और प्रैक्टिस ये आप ढंग से करें। कुछ गैप रह जाता है प्रिपरेशन में, यहीं पर होता है जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं स्टूडेंट्स। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं उसके लिए हमने वीडियो बनाई थी, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें। आपने पूरे साल मेहनत करी है तो लास्ट के 3 मंथ्स में कुछ हो जाता है। जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं जो नीट का एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा ऐसा हो जाता है, इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर्स दे फील लाइक दे कांट क्रैक नीट। सो आपको अपनी प्रैक्टिस, आपकी अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और ये थी कुछ 4 इम्पोर्टेंट टिप्स। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।